तो आ गए आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैंने एक और नई एप्लीकेशन का रिव्यू किया हुआ है। इस एप्लीकेशन के बारे में आपने जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन किस तरह की है, किस तरह से काम करती है। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हो और फिर बाद में आप कहते हो कि आपने इस तरह की वीडियो बना रखी है, इस एप्लीकेशन के बारे में बता रखा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा यार, तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो में मैंने कही क्या बात है और आपने इस एप्लीकेशन को यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इन सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो यार एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन प्रेस करके ऑन नोटिफिकेशन को इनेबल जरूर करिएगा। और दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी अब आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या होती है तो आप इंस्टाग्राम पे दोस्तों हमें अपने प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट भेज के आप हमसे कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प मांग सकते हो। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये आ चुके हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे और आज प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है जिसका हम करने वाले हैं रिव्यू। इस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों जेनली। जल्दी मैंने सर्च कर दिया प्ले स्टोर पे, देख सकते हैं जब मैंने सर्च किया तो पहले नंबर पे एक एप्लीकेशन आ जाएगी जेनली बेस्ट फ्रेंड करके। इसको अभी तक दोस्तों 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स मिल चुके हैं। इस तो आज इस एप्लीकेशन के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, पूरी जानकारी बताएंगे आपको, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। कोई फिर भी अगर आपको कमेंट रह जाता है, कोई सवाल आपने पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की हम वीडियो को। तो दोस्तों एप्लीकेशन को कर दिया ओपन और यहाँ पे कुछ आइसक्रीम टाइप का बनाया है एप्लीकेशन का इंटरफेस। यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड्स ओनली करके आया है, नीचे पे साइन अप एंड एक्सेप्ट का ऑप्शन है जिस पर आपने कर देना होता है क्लिक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे से आपने अपना नाम डालना होता है, उसके बाद डायरेक्ट आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ता है और उसके बाद मोबाइल नंबर डालना होता है। तो चलिए मोबाइल नंबर को हम डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ जब आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे उसके बाद एक वेरिफिकेशन पिन आएगा, वो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा आपको। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पे से, तो आपने लोकेट मी के बटन पे कर देना है क्लिक और अपने आपने यहाँ से अपनी लोकेशन जो है उनको अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट आ चुका है तो इसको हम कर देते हैं कट यहाँ। तो देखते हैं इसके बाद यहाँ पे से देखिए गूगल लोकेशन सर्विस को आपने इनेबल करे रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे आपने पिक सम फ्रेंड्स का एक ऑप्शन है, तो आपने इसमें सिंपली कर देना होता है क्लिक। उसके बाद जो आपके कॉन्टैक्ट है आपने उसको भी अलाउ करना होता है। उसके बाद ये एप्लीकेशन जो है आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट में अगर किसी ने इस एप्लीकेशन में बनाया होता है तो यहाँ पर वो दिखा देगा आपको फ्रेंड, तो आप उसमें बना सकते हो। तो इन्वाइट देम टू जेनली, तो यहाँ पे से आप इन्वाइट का ऑप्शन भी आ रखा है दोस्तों, इन्वाइट फ्रेंड फ्रॉम अदर ऐप्स, तो यहाँ से ऐप के थ्रू भी आप इन्वाइट कर सकते हो या फिर नीचे डायरेक्ट नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आपने एप्लीकेशन का जो ये इंटरफेस है वो मेनली इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी जो लोकेशन है दोस्तों वो आपको बता देगा, जैसा कि मेरी अभी लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। ये साइड में दोस्तों एक नोटिफिकेशन का आइकन बना है, बीच में प्लस का साइन बना है और एक ग्लोब टाइप का बना है दोस्तों, और यहाँ पे आपके प्रोफाइल का आइकन बना हुआ है। तो दोस्तों देखिए जैसे इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे आप सर्च का जब आप इधर उधर करोगे तो ये ग्लोब का आइकन यहाँ पे सर्च करने आएगा। प्लस के साइन की हम बात करते हैं सबसे पहले, जब आप प्लस के साइन पे साइन करोगे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप फ्रेंड सर्च कर सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एक सर्च का आइकन बना है प्लस का है, यू माइट नो देम, तो देयर इज़ नोबडी आई कैन सजेस्ट टू यू एट द मोमेंट। अगले ऑप्शन की हम बात करें दोस्तों, जो मैसेज का आइकन जैसा बना है जब आप इसमें क्लिक करोगे तो आपने जो भी चैट किया होगा तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर मैं आपको जो प्रोफाइल का आइकन है आपको ऊपर पे सबसे पहले टॉप में सेटिंग का आइकन दिखाना होगा, सेटिंग का आइकन पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे से आप अपने पिक्चर जो है लगा सकते हो, अपने प्रोफाइल पिक्चर, नेम एडिट कर सकते हो, बर्थडे एडिट कर सकते हो, यूज़र को किसी को ब्लॉक किया यहाँ पे दिखाएगा, और नोटिफिकेशन है, मैप है दोस्तों, आप मैप चेंज कर सकते हो, प्राइवेसी सेटिंग है, हेल्प सेटिंग, तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाया। एक पावर मूव्स का ऑप्शन है दोस्तों, पावर मूव्स पे क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इसको करते हैं क्लिक, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आता है दोस्तों, रेडी टू लर्न द पावर मूव्स, तो इसकी हम अभी बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे इमोजी भी जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक वीडियोस जो है चलने लगेगी, देख सकते हैं किस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पावर मूव्स के मतलब क्या चीज़ है वो मैं आपको बता दूं, तो जब अगर कोई आपको फ्रेंड मिलता है तो आप पावर मूव से कोई इमोजी आप उसको सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो प्राइवेसी पॉलिसी लाइसेंस आप यहाँ पे से देख सकते हो दोस्तों, और ये चेंज योर ऐप आइकन, ऐप आइकन चेंज कर सकते हो दोस्तों, अभी तक मेरे इसमें यही है, तो बाकी अगर कोई अनलॉक होंगे तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अगला है दोस्तों, यहाँ पे कोई फ्रेंड होगा आपका जो हाइड किया हो तो आपको यहाँ पे दिखाएगा, अगर किसी के चैट नोटिफिकेशन हाइड किए होंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो अभी
हम चले जाते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे जो मैप है आप यहाँ से सर्च कर सकते हो या यहाँ जा सकते हो, जो भी लोकेशन आप सर्च करना चाहते हो। तो अब आप देखना चाहते हो तो बाकी जगह की लोकेशन आप फाइंड कर सकते हो यहाँ पे। तो इसी तरह की एप्लीकेशन है दोस्तों, जिसमें से अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट में, ज़्यादातर जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है आपकी, उसमें अगर कोई दोस्त बना है या फिर आपके एरियाज में जो भी याला एप्लीकेशन यूज़ करता है, तो याली एप्लीकेशन उसको सजेस्ट करती है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन के बारे में आज इतना ही, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा इसमें इंटरफेस है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, हमारे चैनल पे नए नए आए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, नमस्कार।